उत्तराखंड अपना लोक पर्व हरेला मना रहा है। हरेला पर्व को खुशहाली और उन्नति का प्रतीक भी माना गया है। इस मौके पर हम आपको टिहरी गढ़वाल के एक ऐसे किसान के बारे में बता रहे हैं जो अपने पहाड़ की हरियाली को संरक्षित कर रहे हैं। टिहरी जनपद के जड़धार गांव के रहने वाले समाजसेवी विजय जड़धारी साल 1986 से बीज बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। इस अभियान के जरिए वो कई प्रकार के बीजों को संरक्षित कर रहे हैं। साल 1986 में विजय जड़धारी ने बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने पहले अपने आसपास के गांवों में जाकर लोगों को बीज की अहमियत बताने की कोशिश की। उन्होंने गांव के किसानों को समझाया कि बीजों का संरक्षण कितना जरूरी है। विजय जड़धारी ने बीजों के संरक्षण और अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए एक तकनीक विकसित की जिसके माध्यम से पहाड़ों पर खेती को एक नया आयाम दिया जा सकता है। खेती का एक विज्ञान है जिसमें एक ही खेत में एक ही फसल में 12 तरह या उससे कम ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। एक तो अपने खाने के लिए जैसे बारहनाजा का मुख्य हो गया मंडुआ हो गया, फिर रामदाना चौलाई हो गया, कुट्टू फापर हो गया, फिर आप देखिए कि गहत हैं, भट्ट है, नौरंगी है, तिल है, भंगीर है, व कहीं कहीं भांग भी उगाते हैं लोग। तो ये अब एक तो अपने पोषण के लिए अपने खाद्य सुरक्षा है, पोषण सुरक्षा है, और अपनी ज़मीन की भी सुरक्षा है। ज़मीन को ताकत देने वाली जो लगीम वाली हैं, जो बेलदार सब्जी दलहन वाली फसलें, वो हमारी ज़मीन को भी पोषण करती हैं। दूसरे में अपने पशुपालन के लिए, पशुओं के लिए इससे पूरा पर्याप्त चारा मिल जाता है जो जैविक खाद खेती के काम आता है, और इसमें एक पैसे की लागत भी नहीं लगानी पड़ती है। बीज घर का, खाद घर की, बैल घर के, और जो श्रम है सिर्फ अपना श्रम लगता है, और अगर श्रम की कमी हो गई तो लोग जो समाज का वो है अड्याली पड्याली कहते हैं, एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, तो किसी भी तरह की बाहरी लागत कुछ भी नहीं लगानी पड़ती है, और ये सियोरिटी है, कुछ ना कुछ हमें मिलता है। जंगली जानवर भी अगर खाएगा तो एक चीज़ को खाएगा और दूसरी चीज़ बचाएगी। अगर सूखा भी पड़ेगा तब भी कोदा की और मारसा की फसल बहुत बढ़िया हो। कुल मिलाकर विजय जड़धारी 80 के दशक से अपने पहाड़ के लिए बीजों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। उनके इस कार्य के लिए उनको साल 2009 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ईटीवी भारत के लिए टिहरी से अरविंद नौटियाल की रिपोर्ट।